नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन पे खड़ा हूं, ये है बठिंडी का नवाबाद एरिया, डीएन कॉलेज के बिल्कुल पास में। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं प्रॉपर्टी, जिसमें दो रूम्स, दो कैबिन्स, दो बड़े बड़े रूम्स बने हुए हैं, उसके साथ एक लॉबी का एरिया, रिसेप्शन का एरिया, एक छोटी सी किचन के साथ, वो साथ में वॉशरूम भी आपको मिल रहा है। ये जो आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं, ये टोटल कमर्शियल प्रॉपर्टी हम दिखाने वाले हैं आपको। ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, जो स्टेट वे जो है, वे मॉल से लेके स्टेट वे सुजमा की तरफ चला जाता है, बीएन कॉलेज भी इसी रोड के ऊपर है। तो प्राइम लोकेशन में मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, और जो आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम दे रहे हैं, उसका रेंट हमने डिसाइड किया ओनली 18,000 रुपये में। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे डबल शॉप्स हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, उसके साथ साथ में रिसेप्शन का एरिया, लॉबी आपके बोल सकते हैं इसको, अलॉन्ग विद वॉशरूम और एक किचन भी इसमें आपको मिल रही है। आप चाहें तो इसको रेजिडेंशियल भी ले सकते हैं, बट आपको ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, 2-in-1 का भी आपका काम हो सकता है। आपका ऐसा कोई बिजनेस अगर है, जैसे बुटीक है, आप इसमें रेजिडेंस का भी काम कर सकते हैं और साथ में कमर्शियली आप इसको 100% आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड है। तो आए आपको इस पूरे कमर्शियल एरिया का इनसाइड से पूरा टूर करवाएं। तो आए मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं यहाँ पे जो दिखाने वाला है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे रिसेप्शन का एरिया। तो इस समय यहाँ पे काफ़ी सारा सामान जो है रखा गया हुआ है, और आपको ये सारा का सारा वेकेट करके मिल जाएगा। ये काउंटर्स वगैरह हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे बुटीक का काम हुआ करता था, और अब अगर आप चाहें तो, अगर आपका बुटीक का काम है तो तब भी आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे बिजनेस चल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंटर जो है, ये एरिया जो है ऑलरेडी पॉपुलर है, और यहाँ पे ऑलरेडी काम बुटीक का किया हुआ है। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ किचन का एरिया। तो ये देखिए, यहाँ पे छोटी सी मॉडर्न किचन बनी हुई है, जहाँ पे आपको जो है टैप्स वगैरह सामने नज़र आ रहे हैं, वर्किंग में है सारा कुछ। ये देखिए पानी चल रहा है यहाँ पे, वर्किंग में सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पोर्शन में आप देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा वाटर फिल्टर भी रखा हुआ, और साथ में इन्वर्टर जो है यहाँ पे फिटेड है, और ये भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये मॉडुलर किचन जो है बनी हुई है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे पहले बुटीक का काम चल रहा था, तो यहाँ पे कुछ मशीन्स वगैरह, कुछ काउंटर्स वगैरह आपको यहाँ वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे, अगर आपका बुटीक का काम है, तो आपको वो सामान भी जो है मिल सकता है, और इसके लिए जो चार्जेस वगैरह हैं या इसकी जो प्राइस है वो सेपरेट होगी रेंट के अलावा। तो ये मैं आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे रिसेप्शन कम लॉबी का एरिया बता रहा हूँ। जो ये देखिए, काफ़ी बड़े साइज़ का लॉबी कम रिसेप्शन का एरिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने एक कर्टन रॉड लगी हुई है। आप यहाँ पे कर्टन लगा के आप अपने किचन को टोटल सेपरेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो अगेन आप इसको बाइफरकेशन कर सकते हैं, किचन को टोटली बाइफरकेशन करके ये सारा का सारा एरिया आपका रिसेप्शन का बन सकता है। यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स वगैरह जो हैं अटेंड कर सकते हैं। तो और इसके बाद हम आपको एक और फैसिलिटी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे यूज़ होने वाला वॉशरूम। ये देखिए, आपको जो मैं फैसिलिटी ऑलरेडी जो बता चुका हूँ, यहाँ पे वॉशरूम है इंग्लिश सीट के साथ, तो आपका 2-in-1 जो है ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो रूम्स हैं इसमें बने हुए अलॉन्ग विद वार्डरोब्स के साथ। और अब हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट बेडरूम में। तो ये देखिए, फर्स्ट बेडरूम है आपका। अगर ट्यूशन का काम है, आप टीचिंग लाइन में हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, कुछ भी, कोई भी बिजनेस आपका जो है यहाँ पे बहुत इसी तरीके से फ्लरिश हो सकता है। तो मैं आपको अब ये दिखा रहा हूँ एक रूम, और एक रूम के ग्लास से मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने जो है मेन रोड टोटल नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे कैमरे पे आपको दिखा रहे हैं मेन रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा, मेटाडोर जो है इस समय पास कर रही है इस रोड से। तो ये बिल्कुल बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही ये हम आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। इसकी एरिया की लोकेशन फिर से एक बार आपको हम देख बताएंगे पूरी की पूरी। ये आप देखिए, इस रूम में भी एक वार्डरोब बनी हुई है, जो आपको वर्किंग में मिल जाएगी। ये सारा देखिए, यहाँ पे इस समय जो है स्टॉक वगैरह रखा गया हुआ है, और ये आपको बिल्कुल क्लियर करके दे दिया जाएगा। और बहुत बड़ी एक विंडो आपको दे रही है इस रूम के अंदर, और एक साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे रॉड वगैरह लगी हुई है, और इसमें आप अपने कर्टन वगैरह अपनी चॉइस के लगा सकते हैं।
तो इसमें आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने सीलिंग फैन जो है फिट किया हुआ है, तो ये सीलिंग फैन आपको मैंने दिखा दिया। सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल रही हैं। ये फर्स्ट रूम मैंने आपको दिखा दिया, अब हम आपको दिखाते हैं सेकेंड रूम। तो अब हम आपको ले चलते हैं सेकेंड रूम में। सेकेंड रूम में ले जाने से पहले यहाँ पे आप लॉबी में देखिए, बहुत ही अच्छा फुल साइज़ का यहाँ पे लुकिंग ग्लास लगा हुआ है और ये भी आपके काम में आ जाएगा। और अब हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं दूसरा रूम। ये हम पहुँच गए दूसरे रूम में। तो इस रूम में आप देख रहे हैं यहाँ पे शेल्फ्स वगैरह जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे फिटेड हैं, ग्लास शेल्फ्स लगी हुई हैं, स्टील और ग्लास का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे जो है शेल्फ्स वगैरह बनाई गई हुई हैं। तो ये मैं आपको पूरा रूम लगवा रहा हूँ। और इस रूम में भी आप देखेंगे, जैसे मैंने अपने आपको पहले रूम में बता दिया, यहाँ पे भी बहुत बड़ी वार्डरोब जो है आपको मिल रही है। और जो वार्डरोब है ये काफ़ी आपके यूज़ में आएगी। तो जैसे आपने स्टॉकिंग करनी है या घर का कोई सामान वगैरह रखना, वो इन वार्डरोब में आप रख सकते हैं। अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट करेंगे, एक रूम में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं और एक रूम में आप अपना रेजिडेंस भी रख सकते हैं। 2-in-1 है। और ऐसे ही सेटों की काफ़ी सारी डिमांड हमारे पास रहती है। तो मैं आपको इस रूम को दूसरे कॉर्नर से भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अब मैं सारी आपको शेल्फ्स वगैरह दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए सारी शेल्फ्स हैं यहाँ पर और ये आपके सारे काम आ जाएंगी। और ऑलरेडी यहाँ पर खर्चा वगैरह किया हुआ है लैंडलॉर्ड ने। तो ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि एक इस रूम में भी एक सीलिंग फैन लगा हुआ है। और इस रूम में ये कॉर्नर रूम होने की वजह से ये इस रूम में डबल विंडोज लगी हुई हैं। ये विंडो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी गाड़ियाँ आपको मेन रोड पे चलती हुई हम दिखा रहे हैं। तो दोनों जो है रूम्स जो हैं सनलाइट की तरफ खुलते हैं, सनलाइट भी आ रही है, एयर सर्कुलेशन भी प्रॉपर आ रही है। देखिए गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और आपको ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और इसका जैसे रेंट मैंने आपको बताया बहुत ही नॉमिनल है। नॉर्मली आप एक शॉप लेने जाते हैं तो 18-20 हज़ार से कम एक शॉप नहीं आती जो जिसका साइज़ जो है 10x12 का होता है। और आपको कोई जो है वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई किचन की फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन हम इसमें इस कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करें जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसको प्लीज़ जरूर कंसीडर करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपका हो सकता है कि कोई किसी फ्रेंड को, किसी चाहने वाले को, किसी रिश्तेदार को ऐसी ही प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, जिन्होंने कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा या अपने बिजनेस की कोई एक्सपेंशन करनी होगी, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करके उनकी तलाश को ख़त्म कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया, इसका रेंट जो है बहुत ही नॉमिनल है, 18,000 रुपीज़ में सारा का सारा एरिया आपको मिल रहा है। और इसमें अगर आपको कोई जहाँ पर जो ऑलरेडी जो टेबल्स हैं, स्टैंड्स हैं, उसमें कुछ परचेज करना, तो उसके लिए हम आपको फिर से एक बार मौका देंगे आपको एक अच्छी नेगोशिएशन से। तो दोस्तों मैंने आपको ये प्राइम लोकेशन में कमर्शियल प्रॉपर्टी जो दिखा दी है, जिसमें हम आपको 2 रूम्स दे रहे हैं, एक वॉशरूम, एक रिसेप्शन एरिया, लॉबी एरिया और एक किचन और एक वॉशरूम भी दे रहे हैं आपको इंग्लिश सील के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन के ऊपर है और जैसे इसी रोड पे बीएन कॉलेज है और आगे ये रोड जो है सुनमा को चला जाता है और बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन में ये हम आपको प्रॉपर्टी दिखा चुके हैं। और हम चाहेंगे आप हमारा ये वीडियो जैसे शेयर करो और हो सकता है आपके किसी चाहने वाले को, आपके दोस्त को, आपके किसी रिश्तेदार को ऐसे ही प्रॉपर्टी की तलाश होगी, तो हमारा ये वीडियो शेयर करके उनकी तलाश को ख़त्म करें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो जैसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।